आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि वो हमारे समाज के अंदर में हमारी हेल्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं या मोटापा हम लोकल भाषा में बोलेंगे। मोटापा का मतलब होता है कि मेरे शरीर के अंदर में अत्यधिक मात्रा में फैट होना, जिसके कारण मेरा वज़न बढ़ जाता है। हम इसको अक्सर अपनी सोसाइटी के अंदर में इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इस पे अगर हम अमल करेंगे तो हम कई सारी बीमारियों से और आगे फ्यूचर में अपनी लाइफ के अंदर में कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला पहलू आता है कि ओबेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के तीन मापदंड होते हैं। एक तो होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसका मतलब है कि हम वेट और हाइट के अनुसार बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कितना ओबीस है या किसमें कितना मोटापा या फैट ज़्यादा है। दूसरा होता है वेस्ट एंड हिप रेशियो, मींस मेरी कमर और मेरी हिप का रेशियो। और तीसरा होता है मेरा वेस्ट सर्कमस्टेंस। सो इन तीन मापदंडों पे हम लोग अक्सर ओबेसिटी को एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि माइल्ड ओबेसिटी है, मॉडरेट सीवियर ओबेसिटी है या मॉर्बिड ओबेसिटी है। तो जैसे जैसे हमारा वज़न बढ़ता है, हम नॉर्मल वेट से ओवरवेट में चले जाते हैं, ओवरवेट से फिर हम ओबेसिटी की कैटेगरी में जाते हैं, और ओबेसिटी से फिर हम सीवियर ओबेसिटी में चले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओबेसिटी क्यों होती है। इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन हमारे समाज के अंदर में, जो हमारी सोसाइटी के अंदर में पॉपुलेशन में जो कारण है, वो है हमारा एनर्जी इनटेक। हम जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर में कैलोरीज होती है, जो एक एनर्जी होती है। जब बॉडी के अंदर में अधिक मात्रा में कैलोरीज चली जाएंगी तो वो बॉडी में मेरे डिपॉजिट हो जाएगा, और वो डिपॉजिट फैट की शेप में डिपॉजिट होता है, तो इसलिए बॉडी में फैट बढ़ जाता है और ओबेसिटी हो जाती है। दूसरा मेजर कारण है कि हमारा एक्सरसाइज ठीक से नहीं हो रहा है। मींस रिकमेंडेड है कि हम लोग हर सप्ताह के अंदर में कम से कम एक अडल्ट 150 मिनट तक की सैर कर पाए, लेकिन जो नहीं संभव हो पाता है किसी भी कारण से, तो जहाँ पे मेरा एनर्जी का इंटेक ज़्यादा है और मेरा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो वहाँ पे हमारी ओबेसिटी हो जाती है। कई लोगों के अंदर में ये जेनेटिक भी होता है, कुछ जीन्स होते हैं जो ओबेसिटी का कारण बन जाते हैं। दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन, किसी कारण से हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, हार्मोनल इम्बेलेंसेज होते हैं जिनके कारण ये ओबेसिटी हो सकती है। तो मोटा मोटा कुछ कारण है जिसको हमने डिस्कस किया। अब ओबेसिटी से क्या हो सकता है, हमारे शरीर पे क्या असर पड़ सकता है उससे। देखिए, ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो हम डिजीज़ देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर में और सोसाइटी के अंदर में, उसमें डायबिटीज़ सबसे कॉमन है। जैसे जैसे वज़न बढ़ जाता है वैसे वैसे डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी इसी कारण से होता है। अगर वेट मेरा ज़्यादा है तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ओबेसिटी के कारण कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी के कारण हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स होना, स्ट्रोक्स होना, ये भी बहुत कॉमन होता है। ओबेसिटी के कारण आज की डेट में ब्लड प्रेशर होना और लिवर में डैमेज होके सिरोसिस में चले जाना, ये बहुत कॉमन है। और आज की डेट में जितने भी लिवर के केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वो पेशेंट्स अपनी लाइफ में कभी ओवरवेट या ओबीस रहे हैं। अब हम ओबेसिटी पे कैसे एक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें एक्सेप्ट करना है कि ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है। हमारे समाज में उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हमें पहले एक्सेप्ट करना है कि भाई ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है और वो कई सारी बीमारियों की जड़ हो सकती है और जड़ है। दूसरा चीज़ है, इसके अंदर में हमें एक सोशल सपोर्ट दे के, कम्युनिटी सपोर्ट दे के उस व्यक्ति को मोटिवेट करना है कि वो उस पर अमल करे। अमल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, जैसे हमने बताया, कि वो कैलोरी रेगुलेशन होता है। मींस हमने एक डाइटिशियन से बात करके अपना कैलोरीज़ का इंटेक देखना कितना आ रहा है, डाइट को हमने मॉडिफाई करना है, डाइट को ऐसे मॉडिफाई करना है कि हमें ऑप्टिमम कैलोरीज मिले, जिसके अंदर में फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जिसके अंदर में फ्रूट की मात्रा ज़्यादा हो, लेकिन स्टार्च और फैटी उसके अंदर में कम मिले हमें। इसके अलावा हमारा फोकस एक्सरसाइज पे होना चाहिए। हम जितना एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया, कम से कम हम 40 मिनट्स पर डे भी कर पाएँ या 150 मिनट्स पर वीक कर पाएँ, तो उसमें कम से कम हमारी बॉडी की कैलोरीज थोड़ी सी बर्न हो जाती हैं, और अगर डाइट के साथ करेंगे तो हमारा वेट रिडक्शन में, वज़न कम होने में हमारी हेल्प हो जाती है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टिव कैटेगरीज़ के अंदर में, जहाँ पर हमारा वेट रिडक्शन हो सकता है। दूसरा, हमें ये देखना है कोई रिवर्सिबल कारण तो नहीं है जिसके कारण ओबेसिटी होती है। तो उसके अंदर में जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कुशिंगॉइड्स होते हैं, तो कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर में वेट बढ़ सकता है, और उनको भी हमने जब एवेलुएट करते हैं रूल आउट करना होता है।
एक बैरेट्रिक सर्जरी ऑप्शन है आज की डेट में मॉर्बिड ओबेसिटी के लिए, जहाँ पे एक सर्जरी होती है जिस सर्जरी के अंदर में पेट को छोटा किया जाता है या उसको बाईपास किया जाता है, और उससे देखा गया है कि 6 महीने के अंदर में सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन होता है, और वेट रिडक्शन होने के कारण जो है कई सारी डिजीजेस रिवर्स भी होती हैं, कई सारे लोगों का डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड भी उसमें रिवर्स हो जाता है। और लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, मीन्स घुटनों में पेन होने का, और आगे जाके जिसके लिए लोग अपना नी रिप्लेसमेंट भी कराते हैं, ओबेसिटी उसका एक कारण है। मैं आपको एक संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ, और आगे चल के हम इन चीज़ों पर डिटेल में बात कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।